कवि ठाकुर पूरन सिंह के स्मृति सूत्र सम्मान 2022 बिलासपुर सरगुजा संभाग के कमिश्नर और कवि डॉक्टर संजय अलंग को दिया गया। रायपुर के संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अलंग को प्रशस्ति पत्र शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया है कि चयन कमेटी ने उनकी प्रकाशित रचनाओं के आधार पर उनका चयन किया है। डॉक्टर संजय अलंग ने हमारे सहयोगी को क्या कुछ कहा सुनाते पूरन सिंह की स्मृति में सूत्र सम्मान 2022 इस बार बिलासपुर सरगुजा के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग को दिया जा रहा है। डॉक्टर संजय अलंग जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। किस प्रकार की रचनाएं थी, किस प्रकार की कविताएं थी जिसके लिए आपका चयन किया गया? कविताएं में बहुत प्रकार, सैद्धांतिक रूप से भले हों पर कविताओं का मुख्य प्रकार तो यही होता है कि वो जनता और प्रकृति के पक्ष में खड़ी होती। लोगों की कमेटी थी, उन्होंने आपका चयन किया है, कितने नॉमिनेशन आए थे, कितने मतलब कंपटीशन थी? मेरे को रचना प्रक्रिया के विषय में कोई आइडिया नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वे सीधे थोड़े कठोर होते हैं और जो कवि जो मन होता है वो काफ़ी कोमल होता है, तो आपका झुकाव इस तरफ कैसे आ गया? देखिए, दोनों सिनोनिमस चीज़ें हैं, एक ही तरह की चीज़ें हैं। दोनों जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता के पक्ष में, देश के पक्ष में और प्रकृति के पक्ष में खड़े होते हैं। तो अगर इसको आप व्यापक फलक में देखेंगे तो पाएंगे कि ये समानांतर और साथ चलने की प्रक्रिया का ही एक अंग है। आज डॉक्टर संजय अलंग का सम्मान किया गया है, जो कि सूत्र द्वारा उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, यह एक उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर। कविता में ही कविता जो है हिंदी कविता, उसमें ही हम सम्मान देते हैं ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में। इसमें ये है कि देश भर के जितने कवि हैं वो अपनी किताब भेजते हैं, तो हमारी जो चयन समिति है उसमें से हम 5-6 किताबों को चयन करते हैं, उसमें से फिर एक किताब जो है उसको सम्मान के लायक आगे रखते हैं।